जीवन की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का काम है उस तक इंसाफ पहुंचे, उस तक जस्टिस पहुंचे, उसको उसका हक। और आज इसमें अनेकानेक कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना लगाया, अपने जीवन का राष्ट्र के निर्माण में अर्पित किया, तो जाके भारतीय जनता पार्टी इस दो राष्ट्र और धर्म की जब सेवा रक्षा करनी हो वो बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी लालच के करना चाहिए। और इसको परमार्थ कहा, और जो व्यक्ति निष्कपट भाव से, निष्कलंक भाव से राष्ट्र और समाज और धर्म के कार्य करता है वही परोपकार है, वही परमार्थ। और वो कार्य स्वर्गीय दीनदयाल जी ने किया, एकात्म राष्ट्रवाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, समाज के अंदर कोई भेदभाव ना हो, समाज के अंदर कोई छोटा बड़ा ना हो, समाज के अंदर कोई ऊंच नीच ना हो, सब एक समान है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पूजनीय दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के आज के इस दिन पूरी दुनिया में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे देश के एक राष्ट्र पुरुष थे जिन्होंने राष्ट्रीय विचारों को पूरे भारत के बच्चे बच्चे में प्रवाह करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। वो एक सच्चे राष्ट्रवादी थे, क्रांतिकारी थे। जंगे आज़ादी के उस महासमर में भी उन्होंने एक विद्यार्थी के नाते से हमेशा भाग लिया, और स्वतंत्र भारत में जब भारतीय जनसंघ का गठन हुआ तो भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक महत्वपूर्ण संस्थापक स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी थे। उन्होंने हमेशा समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के उत्थान का कार्य किया। वो कहते थे सामाजिक जीवन में हर प्रकार के व्यक्ति का सहयोग करना चाहिए, समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प पर उन्होंने काम किया, और उन्होंने हमेशा राष्ट्रवादी विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। कहते थे भारत मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी मातृभूमि है, हमारी माँ है, और अपने देश की रक्षा हमको जैसे हम अपनी माँ की रक्षा करते हैं उसी प्रकार अपनी मातृभूमि की रक्षा और सेवा में प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना चाहिए।